मेरे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एस्टेट में बैडमिंटन का जो खेल है उसके रूल एंड रेगुलेशन, उसकी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2021। सबसे पहले बात करते हैं कि बर्ड शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता है। तो जो इसमें जो शटल होती है या सिंपल भाषा में चिड़ी जो होती है बैडमिंटन खेलने की, बट उसको शटल के लिए बैडमिंटन में बर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि कोर्ट जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है उसे किस शब्द के नाम से जाना जाता है। कोर्ट, कोर्ट जहाँ बैडमिंटन का जो प्ले ग्राउंड है या उसे किस नाम से जाना, जहाँ मैच खेले जाते हैं बैडमिंटन की, बैडमिंटन के जहाँ मैच होते हैं उस स्थान को हम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करें कि इसमें बैडमिंटन में लव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लव शब्द का प्रयोग, यह शब्द जहाँ जीरो जीरो शब्द या जीरो स्कोर के लिए, स्कोर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वर, अगला शब्द हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, सर्वर, जो सर्वर शब्द है ये कब प्रयोग किया जाता है। सर्वर कौन होता है बैडमिंटन में, यह वह खिलाड़ी होता है जो सर्विस करता है, यह वह है जो सर्विस करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब रोटेशन, इसमें आता है कि रोटेशन शब्द मैच के बाद के अंतराल के बाद खिलाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब अपना पारा चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में रोटेशन होता है। ये डबल्स जो गेम होते हैं, इसमें डबल्स में जो खेल हैं उसमें ये रोटेशन का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये था बैडमिंटन के बारे में। अब बात करते हैं कि बैडमिंटन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन के हैं, भारत के फेमस खिलाड़ी कौन कौन हैं। सब प्रकाश पादुकोण पहला भारत के हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइना नेहवाल कौन थी। साइना नेहवाल ने 2012 के ओलंपिक हुए थे लंदन में तो भारत के लिए पदक जीता था, पहला पदक। लिए पदक जीता था उसके बाद आते हैं, बात करते हैं पीवी सिंधु ने 2016 के रियो और 2020 के टोक्यो में दोनों ही ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीते। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अलावा जो भारत के फेमस जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बात करते हैं प्रकाश पादुकोण, अगला है प्रकाश पादुकोण, नेक्स्ट हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट है अगला जो हमारा खिलाड़ी है भारत का ही है अर्पणा पोपट
नेक्स्ट हमारा जो भारत से ही संबंध रखते हैं, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, अर्पणा पोपट, ये भारत के ही फेमस खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं इसकी जो बैडमिंटन होता है इसका जो कोर्ट होता है इसका आकार कैसा होता है। जो कोर्ट है कोर्ट का आकार, कोर्ट का आकार होता है ये आयताकार होता है भाई, आयताकार होता है बैडमिंटन, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई व चौड़ाई वो कितनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डबल्स में कितनी होती है और सिंगल्स में कितनी होती है। कोर्ट कैसा होता है, कोर्ट होता है हमारा आयताकार। अब बात करते हैं सिंगल्स की, सिंगल्स में जो कोर्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। सिंगल्स के लिए 44x17 फिट होती है, डबल्स के लिए 44x20 फिट होती है। और इनका आकार कैसा होता है, ये आकार होता है भाई इनका आयताकार होता है। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की जो नेट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, नेट के जो पोल की ऊंचाई कितनी होती है। नेक्स्ट हमारा बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा था, ज़मीन से बतानी है, 5 फीट 1 इंच होती है। क्या होती है, 5 फीट 1 इंच। अब बात करते हैं जो बैडमिंटन जैसे खेलते हैं रैकेट, हाँ रैकेट जिसे खेलते हैं उसकी लंबाई 27 इंच होती है और चौड़ाई 9 इंच होती है। मेरे प्यारे साथियों, शारीरिक शिक्षा के जो छात्र हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करें भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी वीडियो हम बार बार बनाते रहेंगे और अपना फिजिकल परिवार है उसको साथ खेलते रहें। और एक दिन हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा और देखते हैं कब तक ये प्रोसेस जारी रहेगी।